शादियाँ हो गई, फिर छोड़ गए, बीवी बच्चों वाले हो गए। कैसे गुजरे बिना जिंदगी यूनिवर्सिटी के? अल्लाह माफ करे, किसे दिन आए जी गुजरे। क्लास में याद आए कि क्लासेस की टीचर्स की दोस्तों क्लास कौन याद करे, अल्लाह माफ करे। यार कोई ना कोई यादगार तो होवन बिने, यादगार हो लेकिन इस गंद के साथ। लास्ट पेपर वाले दिन कैसा लग रहा है? आजाद हो गए अब तो, बड़ा खुशी का भी एक माहौल है। और आखिरी पेपर है, आखिरी पेपर। अच्छा बाद में याद आए कि क्लासेस की टीचर्स की दोस्तों वगैरह, ऐसी क्लास कौन याद करे, अल्लाह माफ करे। तो इनसे असल में हमारा जो टाइम वगैरह स्पेंड हुआ ना यहाँ पे हुआ बहुत ही यूं कह लो बड़ा डिफिकल्ट। ग्रुपिंग वगैरह हर किसी की बन गई थी, इस वजह से इस तरह से हो गया था। हाँ सभी क्लास हुआ, लेक्चर हुआ, सब ग्रुप में ग्रुपिंग की वगैरह की वजह से तमाम हाँ। के तमाम चला गया। अभी बिना आएगा तो बिना के देखेंगे क्या है। बाकी यहाँ पे इतना ज्यादा मजे का टाइम हमारा स्पेंड हुआ नहीं है, लेकिन दोस्तों में आपस में जो हुआ हुआ है वैसे इतना खास नहीं हुआ। बाकी बिल्डिंगों की रौनकें वगैरह, बाकी जो लोग आएंगे ना उन्हें फिर महीने बाद ही पता चलता है क्या है। ये जी नौमी अभी देख रहे हैं रिपोर्ट, बैम से चेक वगैरह करवाई है वायदे के लिए, गलती निकाली मैंने। ये स्पेलिंग वगैरह की या हेडिंग की? उसके नाम की स्पेलिंग थी, नाम की। अच्छा आज मौसम वगैरह हुए हुए हमारा ISP में अच्छा है, लास्ट डे है और हमारी ब्लॉग भी यहाँ पे लास्ट है, क्योंकि दोबारा मौका तो मिलेगा नहीं यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह बनाने का, क्योंकि अब जा रहे हैं दोस्त भी काफ़ी मिले हैं, उसके बाद क्लास फेलोज भी। लेकिन टाइम जो है बड़ा अच्छा भी गुजरा और बुरा भी गुजरा। इसके अंदर ये कि जब हम आए थे यूनिवर्सिटी के अंदर तो लोगों के बारे में भी नौमी इतना पता नहीं चलता था ना, कौन कैसा है क्या है क्या नहीं, तो अब उसके लोगों को पता चलना स्टार्ट हो गया। अब यूं कह लो वो कहते हैं मैच्योर यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद अब जाके हुए हैं। हाँ ये तो जाहिर सी बात है, लोग देखे हालात देखे। अच्छा लोग यूनिवर्सिटी में आते हैं कि यार यहाँ पे आके शादियाँ भी कर जाते हैं, कपल्स बन जाते हैं, मैं और नौमी छड़े फिर रहे हैं यहाँ पे ना, किसी की टेंशन ना कुछ, सिर्फ अकेले। हाँ बाकी काफी लोगों के वैसे हो भी गए रिश्ते वगैरह, हाँ। किसी की शादियां हो गई, किसी के रिश्ते हो गए, हम कर रहे हैं। हमारी आधी क्लास रिश्तों में ही छोड़ गई, उनकी शादियां हो गई, फिर छोड़ गए, बीवी बच्चों वाले हो गए सब, हाँ। तीन चार लड़कियां चले गई, दो लड़के चले गए है तो इसी तरह हमारा भी यही सीन होना था, लेकिन हमने डिग्री एंड करनी थी। बस अल्लाह करे यार वाइवे वगैरह में कोई टेंशन ना दे। फिर इधर यार एक मसला मेन ये है कि आपकी डिग्री जब ख़त्म होती है ना, 6 महीने तो आपको वैसे डिग्री के बाद रोलते हैं, 6 महीने में कह लो डिग्री आज हमारी ख़त्म हुई है, वाइवे के बाद भी 6 महीने 8 महीने ट्रांसक्रिप्ट नहीं देंगे, जिसकी वजह से साल पूरे का पूरा आपका खड़ जाता है। और भाई ज़्यादा तो हम कुछ पॉन्स कॉन्स वगैरह कहते नहीं, लेकिन जो लोग इधर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे दूसरे तीसरे सेमेस्टर के बाद लग पता जाएगा। बाकी हमारा मशवरा ये है किसी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाएँ, यहाँ पर वो लोग आ जाएँ जिन्होंने जी तस्वीरें वीडियो सेल्फीज़ और माहौल इन्जॉय करना, ऐसे ना नोमी रिश्तों के लिए यहाँ पर आ जाएँ, ऐसे ना यहाँ पर यहाँ पे आके और कुछ नहीं मिलता। बाकी फीसिस वगैरह भी किसी की हाई हैं किसी की लो हैं, इस तरह से सारा निज़ाम चलता रहता है। अब हमारी साइकोलॉजी की डिग्री थी, इधर तकरीबन हमारे 4 साल हो चुके हैं, जिसके अंदर टीचर से बनी भी है नहीं भी बनी, कुछ क्या ना मैं नंबर ज़्यादा भी दे जाते थे, अच्छे टीचर्स होते थे, अच्छा यार बच्चे तुमने ठीक नहीं कमा आपको नंबर ज़्यादा दे देते हैं, और कुछ ऐसे भी आते थे कि कहते थे कि जी आपके नंबर बिल्कुल नहीं होने, पेपर करके भी और रियायतन भी पास वगैरह कोई नहीं करता था। इवन ओमी ऐसे ही है। और ये हो जाते जी इंटरेस्ट वाली सारी स्लाइड, यहाँ से अब नौमी चलते हैं बाहर, बिना बाहर भी खड़ा होते हरा क्या नाम है गार्डन कैफे से पहले की जा रहे हैं। अभी नए पेपर हो गया तेरा? हाँ यार कैसे गुजरी बिने जिंदगी यूनिवर्सिटी की? अल्लाह माफ करे, किसे दिन आए जी गुजरे, दुश्मन भी ना गुजरे। ये कैंटीन वगैरह बनाई हुई है, 250 की बिरयानी और 80 वाली बोतल 120 दी। बिरयानी तो याद आया, भूख बड़ी लगी, भूख लगी है। अच्छा चल जाए अंदर, ओका खांदे हैं अंदर झील वाली साइड तो खाना सही नहीं आ रहा है। हैं खाना सही कोई नहीं, खाना सही कोई नहीं आई पास है। ये जी बच्चों को खुश करने के लिए उन्होंने बना रखी है झील यहाँ पे, कि मतलब वो कहते हैं ना दिखेगा तो बिकेगा, इन्होंने दिखाने के लिए भी बिका रखा है। ये देखें ये है झील, झील का बस नाम है, नीचे सारी गंदगी और ये पानी है ऐसा। लेकिन हमारी ISP बुराई नहीं करनी, हमने अच्छाई करनी है। इमें भी ने नीचे सारा मच्छर ही मच्छर, मतलब जिसको पोलियो वगैरह डेंगू का मसला करना हो यहाँ ले आओ। और ये इंटरेस्ट है
मैंने इतना तेरी तस्वीर वगैरह बनाऊ यार, यूनिवर्सिटी से जाते जाते यादगार है। मैं ये गंध अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता यार, कोई ना कोई यादगार तो हो मन बिने, यादगार हो लेकिन इस गंध के साथ तो ना हो ना। हाँ ये भी ठीक है, जो मौसम आज ठीक है बेहतरीन खड़े यार। हाँ जा बट दिल है मुच्छा नू बिने आखिरी दिए यूनिवर्सिटी तेरा भाई वट दे रहा बिना यूनिवर्सिटी में, क्योंकि चार साल तो दिए नहीं वट, उसने कहा आखिरी दिन ही वट दे दें है बिने। हाँ सही गल है, आखिरी दिन है यूनिवर्सिटी, चलो वट वगैरह दे गिनू चंगी गल है, पूछे ना दे सकते हैं। हाँ ये जी बाहर आके सारी की सारी द फीचर वगैरह की पार्किंग वगैरह, और सामने हो जाती है मस्जिद, ये छोटी सी जगह यूँ समझो गर्ल्स बॉयज़ भी बैठे होते हैं, फिर ऊपर की तरफ चले जाएँ तो झील वाली साइड पर, और इस साइड पर जाएँ तो क्या नाम है मस्जिद तमाम। इधर पूछ भी ला, अभी हमने यहाँ पे जाना है मैम शंग्रीला से मिलने, मैम शंग्रीला से ज़रा काम है उधर बुश इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, यहाँ पे जाके उनसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि डिग्री एंड हो गए, वाइवा वगैरह हमारा इन्हीं के पास है, तो जाके पहले बात करेंगे तो कुछ होगा। यहाँ पे जी यूनिवर्सल सिनेमा सामने बना हुआ है ना, बड़ा बेहतरीन बना रखा है इन लोगों ने यूनिवर्सल सिनेमा, इवें बिन है ना बिन, या मैं इनको भी जी पसंद है यूनिवर्सल सिनेमा, ये घोड़े वाली पसंद है बिने। यहाँ से निकल के जी अब निकल पड़े नाश्ता करने, बिन्ने को लग रही थी असल में भूख, इस वजह से मैंने कहा जाते हैं यहाँ पे शालीमार वाला स्टेशन है एक, वहाँ पे जाके करते हैं नाश्ता, क्योंकि यहाँ से नाश्ता ज़रा बेहतरीन मिल जाता है, खोए वाले छोले होते हैं जी खोए वाले। अच्छा आज धूप निकली हुई नहीं है, मौसम बड़ा बेहतरीन हो गया, आपको जाके छोलों का व्यू दिखाता हूँ। आगे जी नाश्ते में पॉइंट पर लस्सी वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, आप इन्हें जुलंद्रो जुलवा।